भारत चीन टकराव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। पूर्वी लद्दाख में 31 अगस्त को भी भारत चीन के जवानों के बीच हुई थी झड़प। चीन ने की थी भारतीय जवानों को उकसाने की कोशिश, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने पेंगोंग के ब्लैक टॉप पोस्ट पर किया कब्जा, चीनी कैमरे सर्विलांस सिस्टम उखाड़ कर फेंका। राजनाथ सिंह की हाई लेवल बैठक में एलएसी विवाद पर आगे की रणनीति पर हुई चर्चा, रूस दौरे को लेकर भी तय किया गया एजेंडा। एससीओ की बैठक में शामिल होने कल मॉस्को जाएंगे रक्षा मंत्री। चीन के पेंगोंग कांड पर सबसे बड़ा खुलासा, भारत को 24 घंटे पहले से थी पूरी खबर, चीनी साजिश पर हाई अलर्ट पर थी भारतीय सेना। एलएसी पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है चीन, किसी भी पॉइंट को बना सकता है निशाना, सरकार के टॉप लेवल के सूत्रों के हवाले से खबर। एलएसी पर मंथन के बाद एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, डोभाल ने कहा भारत लंबे संघर्ष के लिए है तैयार। चालबाज चीन को घेरने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार, भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर बनाई रणनीति, अब लद्दाख से साउथ चाइना सी तक चीनी साजिश का दिया जाएगा करारा जवाब। समंदर में खुद को मजबूत करने में जुटा चीन, पीले सागर के दक्षिण में युद्धाभ्यास करेगा चीन, बुधवार से शुक्रवार तक लाइव फायर युद्धाभ्यास होगा। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लोबसांग सांगे ने फिर चीन पर उठाए सवाल, कहा चीन की प्रस्तावित पॉलिसी गुमराह करने वाली और वास्तविकता से परे। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।